डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि रोहिणी में हम लोग पिछले 25-30 साल से रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। इसमें बाई सेल और इन्वेस्टमेंट्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं। और इसके साथ जो लोग रोहिणी की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि रोहिणी इज़ इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ दिल्ली और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। से लाइक कोई भी स्कूल का नाम लीजिए आप, दे आर अवेलेबल। हॉस्पिटल्स यू नेम एनी, वो कनेक्टिविटी है, वो फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ में मेरे दोस्तों, मेट्रो कनेक्टिविटी है, फैसिलिटीज़, मार्केट फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, कॉलेजेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। रही बात, रोहिणी दो पार्ट में है। सर्कल रेट इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट की बात करूँ तो वो 70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 38 तक। बट जो बसासत के सेक्टर्स हैं वो सेक्टर 7, 8, 6, 5, 4, 3, 10, 11, 15, 16 एट्सेट्रा। तो इन सब में आज का रेट मोटे तौर पे 4 लाख रुपए गज के हिसाब से है। सर्कल रेट सभी का 70,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। मेरे दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो नया डेवलपिंग एरिया है वो सेक्टर 28, 29, 30, 34 और 35 है। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आज कि ये जो न्यू सेक्टर्स हैं, आपके पास अगर पैसे हैं, एडिशनल पैसे हैं, स्पेयर पैसे हैं और इंडिया में किसी भी पार्ट से आप हैं, तो यहाँ पर DDA की अथराइज प्रॉपर्टीज़ हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, रीसेल में ये अवेलेबल हैं। DDA आपको अगर मालूम है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिम्मेवारी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि लैंड का रख रखाव DDA के पास है। DDA ने ये अलॉटमेंट में प्लॉट्स दिए थे, अब रीसेल में हैं और फ्री होल्ड होकर ये प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ पर आप लोन लेना चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं। 70-80% के करीब जो सर्कल रेट है उसका लोन मिल आपको मिल जाएगा और कई बार मार्केट रेट पर भी लोन मिल जाते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास स्पेयर पैसे हैं, आपका बच्चा छोटा है, आपके पास पैसे हैं, यू आर ए बिजनेसमैन, तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है सेक्टर 34 में, सेक्टर 35 में, सेक्टर 30 में। यहाँ साइज जो प्लॉट के हैं वो 26 मीटर है, 32 मीटर है और 60 मीटर है। गज की बात करूँ तो 30 गज गिन सकते हो, 40 गज गिन सकते हो और 72 गज गिन सकते हो। इनके रेट की बात करूँ तो 26 मीटर का प्लॉट 35 से 40 लाख रुपए के बीच है, 32 मीटर की बात करूँ 40 से 50-52 लाख रुपए के बीच में है, 60 मीटर की बात करूँ तो 80 लाख रुपए से लेके तकरीबन 1 करोड़ रुपए के करीब ये प्लॉट है। आप लोन लेना चाहें लोन ले सकते हैं, लेकिन एक बात मैं कंडीशनल आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू यू। आपके पास अगर अपने पैसे हैं तो इन्वेस्ट करिए रियल स्टेट में। टाइम पीरियड कम से कम 3-4 साल का है तो आप पैसे इस आज के बाज़ार में लगाइए। ये मत सोच के लगाइए कि पीछे 1 साल में रेट डबल हो गए हैं तो आप पैसे लगाएंगे आपके अगले साल में डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर 18%, 20% का रिजल्ट मान के चलते हैं कि रियल स्टेट में 5% में हमारी रोहिणी के जो न्यू सेक्टर्स हैं, सेक्टर 34-35 वगैरह में वहाँ हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास अपने पैसे हैं, आप उसको चाहते हैं कि भाई बैंक में FD ना करा के एक प्लॉट ले लिया जाए, तो ही आप इस प्लॉट को ले लीजिए। इट इज़ माय सिंसियर एडवाइस कि आप सोचे कि 4-6 महीने में एकदम रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा सोच के रियल स्टेट में कभी भी आप पैसे मत लगाइएगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है, मैं सच्चाई की बात करूँ तो 2012 में जो रेट 1 करोड़ 35-40 लाख 50 लाख हो गया था 60 मीटर का, आज उसका रेट 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए है। 32 मीटर का प्लॉट जो हम लोगों ने 60-65 लाख का बेचा था सेक्टर 28, 29, 30 में, आज उसका रेट 50 से 60 लाख रुपए के बीच में। 10 साल हो गए, रेट वहीं के वहीं है। जब भी मार्केट स्पेकुलेशन मोड में आता है, जैसे शेयर मार्केट की बात होती है, उस तरीके से रियल स्टेट में भी स्पेकुलेटिव मार्केट होती है। आप स्पेकुलेटिव मार्केट से बचने के लिए आपको सुझाव चाहिए तो आप विनोद गुप्ता सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर संपर्क कीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है,
आप मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डालिए, अपना टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जब हमें समय मिलेगा तब आपसे बात करेंगे। आप को कोई मतलब की बात करनी है आप व्हाट्सएप पर कीजिए, आप डायरेक्ट कॉल हमें ना करिए। आपके कोई भी बाइंग है, सेलिंग है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी चाहिए, अभी पेड नहीं है, बट हम आपको फ्री सर्विसेज देंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इनटू रोहिणी एंड यू हैव ए हॉरिजन पीरियड ऑफ 2 to 3 years, देन ओनली कम टू रोहिणी इन दिस न्यू सेक्टर्स विच आई एम स्पीकिंग फॉर। 34 या 35 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 30 सेक्टर 29 सेक्टर है, क्योंकि पीछे एक साल में रेट तकरीबन डबल हो गए हैं। आप सोचे कि अगले साल में डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं होता है। ये डबल रेट भी इसलिए हो गए हैं, मैं बार बार आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो आप उठा के देखिए रिक्वेस्ट करता रहूँ कि जो प्रॉपर्टीज़ का प्राइस है वो बहुत ही लो प्राइसिंग है, अंडर प्राइसिंग है, हमारी बेल्ट में 28, 29, 30, 34, 35 में, और सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आज मैं बात करूँ 7-8 महीने में तो सेक्टर 28, सेक्टर 29, सेक्टर 30, सेक्टर 34, सेक्टर 35 वगैरह में सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आया है। अब 18-20% आप मान के आते हैं तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। मेरे दोस्तों, इसके साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन की भी कोई बात करना चाहते हैं, लेजनिंग की कोई बात करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। हम लोग सेक्टर 34-35 में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस है, और लीगलिटीज के तरीके से हम आपको अच्छी डील दिलवाएंगे। प्राइस मार्केट वैल्यू होगा। इसके साथ दोस्तों, आप अगर आपका कोई प्लॉट है बेचना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं 2 महीने 4 महीने बाद बेच लेंगे, तो ये सबसे बढ़िया टाइम है कि आप अपना प्लॉट बेच दीजिए, क्योंकि रेट काफ़ी अप्रिसिएट हो गए हैं। आपको भी मालूम होगा 34-35 सेक्टर वगैरह में रेट जो है वो तकरीबन एक साल में डबल हो गए हैं। अगर आपका कोई प्लॉट है, आप सोचते हैं 2 महीने 4 महीने 5 महीने में बेचना है, तो मेरे दोस्तों आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे। और एडवाइस यही है कि आप अपने प्लॉट को फिलहाल बेच दीजिए, आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप कहीं उस पैसे को यूज़ कीजिए। आपको कोई भी सलाह चाहिए रिगार्डिंग रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स इन रोहिणी और दिल्ली, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को भी प्रॉपर्टी में चीटिंग से बचना है, भटकने से बचना है, तो एक ही नाम है, सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।